गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों, ज्वाइन वेरी फास्ट, जल्दी से ज्वाइन करें सभी बच्चे। लिंक मिल गया सभी को। यस, ज्वाइन वेरी फास्ट, लिंक भेज दिया भाई मैंने तो सबको ना। जल्दी ज्वाइन करें भाई सभी। ज्वाइन फास्ट। हाँ भाई, ये फॉर्मूला कर रहे थे हम, ठीक है। हीरोन फॉर्मूला कर कितने कोस्ट बताओ एक बार मेरे को, हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे। सेवन तक हो गए थे ना। सेवन तक आई थिंक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन सिक्स मैंने तुम्हें करने के लिए बोला था, क्वेश्चन सेवन तक कोई डाउट है तो बोलो मेरे को। अगर क्वेश्चन सेवन तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन सेवन तक किसी को कोई भी डाउट है
तो पूछ लो मेरे से। एनी डाउट? फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 7 1 से 7 तक किसे कोई डाउट है तो बोलो। सोहानी प्रेजेंट है? सोहानी इज प्रेजेंट। सोहानी प्रेजेंट है या नहीं है? अटेंडेंस कौन लेगा? निधि, निधि, वशिष्ठ, निधि, वशिष्ठ प्रेजेंट और नॉट? क्वेश्चन 3 रिपीट करना है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, ठीक है। थ्री देखो, ये एक ट्राइंगल है, इसकी दो साइड से 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर है 42। पेरीमीटर 42। अब पेरीमीटर क्या होता है? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लेते हैं हम। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। 18, 10, 42 तो 28 प्लस सी 42, तो सी की वैल्यू 42 माइनस 28, सी की वैल्यू 14, दिस इज 14, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी होती है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 14 बाय 2, 42 बाय 2 21। अब इस ट्रायंगल का मेरे को क्या निकालना है? पांचवा क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा, पांचवा क्वेश्चन इसके बाद करवाऊंगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 14, 21 माइनस 10, 21, 3, 7, 11। देखो ये 21 तो ये भी 21, 21, 21, 11, 21 कॉमन आ गया, बाहर आ जाएगा ना, यही इसका आंसर है। अब समझ में आया? कोई डाउट है आप किसी को?
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स हैं ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दे रखा है मेरे को, 25, 17, 12, 25, 17, 12, ठीक है, 25, 17 और 12। तो मैंने ए को कैलकुलेट कर लिया 25x, बी को 17x, सी को 12x। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है, 540। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, 540। ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 17, सी की वैल्यू 12, 540, 54x, 540, एक्स की वैल्यू 540 बाय 54, 10 आई, एक्स की वैल्यू 10 है इसमें रख दो, ये 25 इंटू 10, 17 इंटू 10, 12 इंटू 10, 250, 170, 120, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस की वैल्यू, एस कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, दो सौ पचास, 170, 120 बाय 2, 540 बाय 2, 270, एस की वैल्यू कितनी आई, 270, 270 यहां रख देंगे हम, 270, 270 माइनस 250, ये बनेगा। बीस, ये बनेगा सौ, ये बनेगा 150, देखो इसको लिखेंगे हम 2, 3, 3, 3, 5, बीस को लिखेंगे 2, 2, 5, ठीक है, सौ को लिखेंगे 2, 2, 5, 5, और 150 को लिखेंगे 2, 2, 3, 5, 5, ठीक है, 1, 2, 1, ये बाहर आ गया 3, ठीक है, 1, 2 ये बाहर आ गया,
एक पांच ये बाहर आ गया, एक दो ये बाहर आ गया, एक पांच ये बाहर आ गया, एक तीन ये बाहर आ गया, एक पांच ये बाहर आ गया, छह सात छह सौ, छह सौ भी पंद्रह से, ये तो हो गया छह दस, दस पंद्रह, ये साठ, ये 150, 9000 आएगा, 9000। हाँ जी क्लियर है सभी को? अब कोई डाउट इसमें? इसके बाद बताओ कौन सा बताना है, इसके बाद कौन सा बताऊं? और कोई क्वेश्चन जो पूछना हो? करें क्वेश्चन नंबर एक से। सिक्स क्वेश्चन हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है क्वेश्चन नंबर एट से करेंगे अब हम। एक ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है हमें, कौन कौन सी? 35, 54, 61, 35, 54, 61 हमें निकालना है एरिया और स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। इसका एक तो एरिया बताना है, एक स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड बताना है। ठीक है, तो देखो मैं इसमें लेट करूंगा, ए इक्वल्स टू 35, बी 61, सी 54, S equals to A plus B plus C by 2, 35, 61, 54 by 2, ये कितना बनेगा? 150 by 2, और S की वैल्यू कितनी आएगी? 75। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, S की वैल्यू 75, 75 minus 35, 75 minus 61, 54, this is 40,
दिस इज 14 और कितना बनेगा 21 75 को क्या लिखूं मैं 355 40 को लिखूंगा मैं 225 14 को 27 और 21 को 37 ठीक है देखो 3 बार आ गया 5 बार आ गया 2 बार आ गया ये 2 बार आ गया ये 7 बार आ गया कितना बचा रूट 5 ठीक है तो ये आएगा 15 60 420 रूट 5 कितना आएगा ये 420 रूट 5 रूट 5 की तुम वैल्यू भी रख सकते हो ठीक है ना हम रूट 5 की वैल्यू रख सकते हैं 2.23 सॉरी 2.24 होता है 2.24 और 2.24 की मल्टीप्लाई 420 से करेंगे तो हम 2.23 लिखो इसको 2.23 लिखो वैसे अप्रोक्स लिखते हैं ना इसको 2.24 ही आएगा ठीक है 2.24 लिखो तो ये आएगा 940.8 या तुम यहीं तक भी आंसर छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हो ठीक है हाँ भाई अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये जो एरिया होता है ये किसके इक्वल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है अब इसने स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड पूछा तो यहां पर नोट करके लिख लें स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड का मतलब होता है लॉन्गेस्ट बेस बेस कैसा लेना हमें लॉन्गेस्ट लेना है समझ में आ रही है बात अगर एल्टीट्यूड स्मॉलेस्ट है तो बेस कैसा होगा लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होगी तो बेस क्या होगा स्मॉलेस्ट
इसको नोट कर लेना ना, ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड पूछी तो बेस क्या होगा हमारा, लॉन्गेस्ट होगा, इसका मतलब मेरे को ये निकालना है। ठीक है, हाफ इंटू 61 इंटू हाइट 420 रूट पांच, तो हाइट की वैल्यू कितनी आई 420 रूट पांच इंटू 2 बाय 61 840 रूट पांच बाय 61 सेंटीमीटर, दिस इज द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। हाँ, बेस उल्टा होगा, उल्टा होगा, इसको ये बेशक छोड़ दो, यहां पर इतना भी काफी है। दिस इज द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो बताएं भाई इसमें। ठीक है, ओके, करें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक ट्रायंगल दे रखी है मेरे को, ए बी सी, इसकी साइड्स हैं ए बी सी और इन साइड्स का रेशियो है 3:4:5, इन साइड्स का रेशियो कितना है गिवन क्या है मेरे को, ए रेशियो बी रेशियो सी 3:4:5, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिस इज 144। ठीक है, तो मैं लेट कर लूंगा ए इक्वल्स टू 3x सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू 4x सेंटीमीटर, c इक्वल्स टू 5x सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी 144, किसकी इक्वल होता है a प्लस b प्लस c 144, 3x, 4x, 5x, 144, तो 12x, 144, x की वैल्यू 144 बाई 12, 12 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 12 आई, तो देयरफॉर जो a है वो 3x है, तो 3 इंटू 12 36 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू 4x, 4 इंटू 12 48 सेंटीमीटर,
और c इक्वल्स टू 5x, 5 इनटू 12 60 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। भाई बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, भाग क्यों रहे हो तुम, कितना तो अच्छा टॉपिक चल रहा है, जल्दी ज्वाइन करो सभी फटाफट, जो भी भागे हैं दोबारा से ज्वाइन करो। एस की वैल्यू, एस कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, 36, 48, 60 बाय टू, 144 बाय टू, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। रिफ्रेश कर लो स्क्रीन को, ये 72 माइनस 36, सेवेंटी टू थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेल्व, सेवेंटी टू को क्या लिखूंगा मैं, टू इंटू थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स को ऐसे ही लिखा रहने दो, ट्वेंटी फोर को टू इंटू ट्वेल्व और ये ट्वेल्व, तो एक तो 36 बाहर आ गया, एक 12 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है ये, इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, नहीं गलत है, दोबारा चेक करो, रूट 9 3 होता है, रूट 9 3 होता है, इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना आया आंसर, एट सिक्सटी फोर। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ये जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कौन सा लेना है, बेस कौन सा लेंगे हम, बेस लेना में लॉन्गेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी साइड है वो बेस, बेस लेना में लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, सी 60 सेंटीमीटर, हाइट 864, तीस पे कैंसिल, 864 बाय 30 आएगा 6 26 8 8 पॉइंट,
ये आंसर आएगा 28.8। देयरफॉर I corresponding to longest side is equals to 28.8 centimeter. This is answer. तो area निकालना था, ये भी answer है हमारा। कोई डाउट है तो बताएं भाई इसमें। अरे भाई एक बार ये बता दो मेरे को, निधि प्रेजेंट है या सुहानी प्रेजेंट है? निधि या सुहानी में से कौन प्रेजेंट है आज, जल्दी बताओ मेरे को। निधि और सुहानी में से कौन प्रेजेंट है? सभी एब्सेंट हैं। तो मेरे को अटेंडेंस कौन भेजेगा आज, अटेंडेंस कौन भेजेगा? आज की अटेंडेंस कौन भेज रहे हैं? अनीशा, ठीक है, साफ साफ लिख के भेज देना, अनीशा भेज देगी। अनीशा, अनीशा लिखेगी आज बहुत अच्छे से पेज पे साफ साफ, ठीक है ना, और वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स इक्वल हैं। मैंने दो इक्वल साइड्स को लेट किया, ए और ए, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हम, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एबी इक्वल्स टू एसी इक्वल्स टू ए, ठीक है। इसका पेरीमीटर 42 है और बेस किसकी इक्वल है? बेस बीसी इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। तो इसका मतलब बीसी कितना हो गया? 3a/2। कितना हो गया बेस? 3a/2।
कितना समझ में आया? हाँ भाई, कोई डाउट इसमें? इतना सभी को क्लियर है? अब इसके बाद इस ट्रायंगल का पेरिमीटर कितना है? पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी 42 सेंटीमीटर है। कितना है? 42। देखो इसमें ये कहा गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, मैंने इन दोनों को इक्वल मान लिया, और जो तीसरी साइड है बेस, बेस किसके इक्वल है? इसका 3/2 टाइम्स, बेस इज 3/2 टाइम्स द इक्वल साइड्स, 3/2 गुना किसका? बराबर इस बराबर वाली साइड का। समझ में आया आप? कोई डाउट? जय आदित्य, सोहानी यू आर लेट, अब आपके अटेंडेंस नहीं लगेगी। सोहानी दुहन, तुम लेट बहुत आए हो आज। तो मैं इतनी देर से बोल रहा था, अब अटेंडेंस लिखना है सबकी, बाद में मेरे को भेज देना फिर, ठीक है? अटेंडेंस लिख के मेरे को भेज देना सभी की। पेरिमीटर क्या होता है? एबी प्लस बीसी प्लस एसी बाय में 42। एबी की वैल्यू ए, बीसी की वैल्यू ए, बीसी की वैल्यू 3a/2 और ये भी है 42। इसका एलसीएम 2 आएगा, 2a 3a 2a 42, 7a 42 into 2, a की वैल्यू 42 into 2 by 7 6, a की वैल्यू कितनी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और बी सी कितना? 3a/2, 3 into 6/2, 9 centimeter. Sorry, 12 आएगा भी, 6 2 12 आएगा, 12 आएगा, 12 ठीक कर लो इसको, this is 12 और 3 into 12/2 18 सेंटीमीटर, और ये जो BC है वो किसकी इक्वल है? BC बेस है, BC क्या है हमारा? बेस। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC S S minus A S minus B S minus C S की वैल्यू कैसे निकालेंगे? S की वैल्यू आएगी पेरिमीटर बाय 2, यहां निकाल देता हूं S equals to पेरिमीटर बाय 2, और पेरिमीटर कितना है? 42/2 21 सेंटीमीटर। ठीक है,
एस की वैल्यू 21, कोई नहीं भागेगा भी, जो अटेंडेंस मैं लूंगा उससे मैच करूंगा सारी, जो अटेंडेंस मैं लूंगा उससे मैच होगी वो अटेंडेंस, तो ध्यान रखना कोई भागे ना भी। 21 माइनस 6 21 माइनस सॉरी 12, 6 नहीं ये 12 है, ये भी 12, ये भी 12 और ये 18, इक्कीस, 9 9 3, ठीक है। गलत तो नहीं लिखा मैंने कहीं पे, देखना एक बार। ठीक है, 3 7 3 3 3 3 3, 21 9 9 3, 1 3 ये 12 आएगा 1 3 ये 12 आएगा 1 3 ये 12 आएगा, 3 3 3 √7 27 √7, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 27√7 cm². अब इस ट्राइंगल में हमें क्या निकालना है, हाइट। हाइट कैसे निकलती है, ये जो एरिया वो किसके इक्वल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, √27। बेस की वैल्यू, बेस की वैल्यू बीसी 18 और हाइट, तो यह आएगा 27√7 9, तो हाइट इक्वल्स टू 27√7/9। हाइट की वैल्यू कितनी, 3√7। क्लियर है सभी को, अभी कोई डाउट, देखो अच्छे से, हाँ भाई अटेंडेंस रेडी रखना, ठीक है ना, और ये बच्चे भागे ना, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन और कराना है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 11, कल सभी के लिए होमवर्क है, इस एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल्स के मैं डाउट लूंगा, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स के डाउट्स लूंगा भाई मैं यहां पे।
वो तुम्हें करके आने। अब क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी डी, अंकुर प्रेजेंट है? हाँ भाई अंकुर प्रेजेंट है आज, अंकुर सेरावत। अंकुर इज प्रेजेंट इन क्लास। ओके तो ये 48, 52, ये 16, 16 और ये 12। इस शेडेड का एरिया बताना है। ठीक है तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए हम, फिर बड़े वाली ट्राइंगल में से छोटे वाली ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है इन ट्राइंगल एबीडी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ए बी स्क्वेयर ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर सोलह स्क्वेयर बारह स्क्वेयर 256 144 400। एबी की वैल्यू कितनी आई? 20 सेंटीमीटर। ठीक है दिस इज 20 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 16 और हाइट एडी 16 और 12 6 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है इतना क्लियर है सबको? इन ट्राइंगल एबीसी जो बड़े वाली ट्राइंगल है, बड़े वाली ट्राइंगल है मैंने लेट कर लिया ए 20 बी 48 और सी 52। देयरफॉर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। 20, 48, 52 120 60 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं तुम करते जाओ इसको, दो मिनट ज्यादा लग जाएंगी।
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी 60 माइनस 20 60 माइनस 48 60 माइनस 52 ठीक है तो ये 60 40 12 8 इसको मैं लिखूंगा 12 इंटू 5 इसको 8 इंटू 5 ये 12 और ये 8 ये और ये तो क्या कॉम्बन आया 12 का पेयर बन गया 5 का पेयर बन गया 8 का पेयर बन गया 480 इसका एरिया 480 आया गलत किया चेक करो ए फोर एरिया ऑफ शेडेड रीजन शेडेड का एरिया कैसे निकालेंगे बड़े वाली ट्राइंगल में से छोटे वाली ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी 480 माइनस 96 384 ये हमारा आंसर आएगा ठीक है सुहानी मेरे को अटेंडेंस भेज दो अभी सुहानी अटेंडेंस भेज दो जल्दी से लिख के फटाफट क्लियर है सुहानी मेरी आवाज आ रही है अटेंडेंस लिख के भेजो मेरे को फटाफट से कल तुम्हें इसके सोल्ड एग्जांपल्स करके आने हैं मैं डाउट्स लूंगा सोल्ड एग्जांपल्स करके आने हैं मैं डाउट्स लूंगा ओके थैंक यू